हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम ऑल अबाउट रिएक्ट नेटिव देखने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस के बारे में। ठीक है, तो फायरबेस के बारे में हम क्या देखने वाले हैं, एक तरीके से जो भी चीज़ें हमें फायरबेस में हम जरूरत पड़ती है, हम जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक हमारे पास फायरबेस की इवेंट्स हैं। ठीक है, फायरबेस का डेटाबेस है, क्लाउड मैसेजिंग है, सोशल लॉगिन्स है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, डायरेक्ट मैसेजिंग, हम स्टोरेज वगैरह, मतलब पूरा सब कुछ करके देखेंगे। जितने भी ऑप्शंस है फायरबेस में अवेलेबल हमारे रिएक्ट नेटिव के लिए, वो सारी चीज़ें हम ट्राई करके देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लंबी। ठीक है, तो सारे वीडियोस को आपको देखना अच्छे से, जिससे आपका फायरबेस का जो टॉपिक है वो कभी ऐसा नहीं रहने वाला कि यार मैंने फायरबेस में ये नहीं किया वो नहीं किया। हम सारी चीज़ें साथ में सीखेंगे, साथ में सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई लोग, क्योंकि ये सीरीज आने वाली है एकदम धमाकेदार। ठीक है, इस सीरीज को मैं बिल्कुल स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाऊंगा, जितने भी पॉसिबिलिटी बन पाएगी उतनी हम कवर करेंगे, और जितनी हमें एक ऐप के अंदर जरूरत है फायरबेस की वो सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसका फर्स्ट वीडियो में। ये इंट्रो वीडियो था जिसके बारे में मतलब फायरबेस में हम क्या क्या करने वाले वो बताया। ठीक है, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस का सेटअप, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस इवेंट के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी ऐप के अंदर फायरबेस लगाते हैं तो सबसे पहले में जरूरी है यूज़र को ट्रैक करना। तो इवेंट्स के बाद फिर हम ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मल्टीपल लाइक चीज़ें हैं इसके अंदर, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैंने शायद कभी इंप्लीमेंट नहीं की फायरबेस में, इवेंट्स और शायद ऑथेंटिकेशन वगैरह मैंने ट्राई किया, और डेटाबेस कभी कभी, बट हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप फायरबेस को बिल्कुल मास्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।